हेलो एवरीवन, वेलकम टू अस्मा स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस रमज़ान में सब लोगों की परेशानियाँ दूर करे और इस कोविड से हमारी जान छुड़ाए, आमीन। और ऐसा है कि ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, अब आगे जो है ये ब्लॉग है मेरा ग्रॉसरी का, ये असल में 3-4 दिन पुराना है, लेकिन मुझे इतनी सुस्ती हो रही थी इसको एडिट करते हुए कि मैं इसको अपलोड ही नहीं कर सकी। और आज यहाँ पर माशाल्लाह पहला रोज़ा है, तो जो है एक तो मुझे वैसे इतनी उदासी हो रही है यहाँ पे लग ही नहीं रहा कि रमज़ान है आज, बल्कि आज यहाँ पे दूसरा रोज़ा है। और इतना अजीब सा जो है ना सोया सा सारा है, कुछ समझ नहीं आ रही, ना अजानों की आवाज़ें आती हैं, ना सहरी के वो ढोल सुनाई देते हैं, तो काफ़ी जो है ना, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम साथ हैं, फाइनली फैमिली हमारी, मतलब जुनेर यहाँ हैं, बच्चे में हम इकट्ठे हैं। वरना लास्ट रमज़ान में मैं पाकिस्तान में थी और अकेली थी, तो मैं बहुत मिस कर रही थी सब कुछ, और ज़ाहिर जुनेर के बगैर मज़ा ही नहीं आता सहरी का। तो जो है ऐसा है कि अभी हम जा रहे हैं लिटिल इंडिया इस क्लिप में, और ये अम्मार हमारे साथ आ चुका है ज़िद करके, इसने ज़िद की कि मैंने भी जाना है साथ, तो इसलिए हम ले आए। ऐसे में जो सबसे छोटा होता है ना, मुझे लगता है सब लोगों का लाडला ही होता है, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, शायद मेरा ज़्यादा लाडला है, जुनेद तो सुहरामा के साथ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती, लेकिन पता नहीं क्यों अम्मार शायद सबसे छोटा है, तो इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा ही अम्मार से अटैचमेंट होती है। तो अभी हम यहाँ पर लिटिल इंडिया पहुँचे हैं, तो अभी हम जाएँगे अंदर यहाँ पर आगे मुस्तफ़ा कैश एंड कैरी, जहाँ पर हम हमेशा लेते हैं ग्रॉसरी वगैरह। तो अभी जब हम यहाँ पे गए थे तो उस दिन जो है ना 3-4 दिन थे रमज़ान शुरू होने में ना, तो लेकिन हमने सोचा कि क्योंकि वीकेंड जुनेद के लिए इजी रहता है, तो फिर इसीलिए हमने सोचा कि हम वीकेंड पे ही जाकर ग्रॉसरी कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। ये भी क्या मजा आ रहा है तुम्हें? चीज़ लेने ले मजा आ रहा है। और ये अब हम आ गए हैं यहाँ पे गोश्त वाले कॉर्नर में, जहाँ पे जो है मछली वछली भी है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे गोश्त लेते हुए ना हमेशा मेरा मूड इतना ख़राब होता है। जब से हम यहाँ पे आए हैं ना, पहले मुझे लगा शायद मैं खाना अच्छा नहीं बना रही, लेकिन यहाँ पे गोश्त कोई भी चीज़ आप ले लें किसी में कोई टेस्ट ही नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे हर चीज़ फ्रोज़न होती है, तो शायद इस वजह से काफ़ी टाइम फ्रीज रहने के बाद इसका टेस्ट ऐसा नहीं रहता जैसे फ्रेश चीज़ों का होता है। सिवाय फ़िश के यहाँ पे कोई चीज़ जो है ना, स्पेशली गोश्त में तो कोई भी मज़ा नहीं है। हमने हिरन का यहाँ पे लेके देख चुके हैं, मटन दूसरा वाला लेके देख चुके हैं, बीफ लेके देख चुके हैं, अब फाइनली लास्ट टाइम हमने लैम लिया। हालाँकि लैम मुझे पाकिस्तान में बिल्कुल पसंद नहीं था, उसमें से बहुत हीक आती है, लेकिन फाइनली हमें ऐसा लग रहा था कि फाइनली चलो कुछ तो टेस्ट आ रहा है ना यार, तो फिर अब हमने सोचा है कि हम लैम भी ले लिया करेंगे, क्योंकि कुछ तो जायका आए कि मतलब आप कुछ भी खा रहे हैं लगता ही नहीं कि कुछ सही से पका है। सब्ज़ी तक इवन बिल्कुल जैसा पाकिस्तान में आप नॉर्मली कोई मिक्स सब्ज़ी भी बनाओ इतने मज़े की बनती है, और यहाँ पे मिक्स सब्ज़ी बनाओ कोई मसाले डाल लो कुछ भी कर लो कोई टेस्ट नहीं आता। अब फाइनली मैंने शान के मसाले लेने यहाँ पर मजबूरन शुरू किए, वरना मैं पाकिस्तान में बिल्कुल यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि जुनेद को नहीं पसंद थे। पिछली दफा भी जो लिए ऐसी थी गैस मसाले, बस तो शौक होता रहता है कि भर भर के फ्रूट लेने हैं हमार को। ये वाले नहीं है तो वो हमारा ये फर्स्ट रमज़ान आ रहा है सिंगापुर में, तो थोड़ी सी एक्साइटेड थी हूँ मैं, और थोड़ी सी जो है ना दास भी टाइप कि कैसा रहेगा, यहाँ पे तो अज़ान तक की तो आवाज़ आती ही नहीं है, तो एक जो इफ्तार के लिए अज़ान का जो इंतज़ार होता है, जो एक वो चीज़ होती है, वो काफ़ी हम मिस करेंगे। जिन्हें थोड़ी थोड़ी देर में रुक के जो है ना ट्रॉली की सेटिंग करते हैं।
में लिटिल इंडिया हमारे घर से थोड़ा दूर है, तो हमें जो है ना जब भी हम आते हैं तो हम सोचते हैं एक दफ़ा जो दो चीज़ें यहाँ पे लेने वाली हैं ना एक दफ़ा ही ले लें ताकि बार बार ना आना पड़े। तो अम्मार ने तंग किया हुआ है, ये आज हमारे साथ आ गया जिद करके, और इसने जो है ना बेतहाशा शॉपिंग की है ना अम्मार। We need still so much pen and whitener. बड़ी कोई बॉटल ले लें जैसे नीचे रखी हुई है, सनफ्लावर ले लें बेशक। भरत तुम अपने बाशिंदों को कहती हो ना, ये जो हमारा एक अकलौता बाशिंदा है ना, ये उन दो के भी बराबर है। बास्केट में और अब तुमने अगर तोड़ा तो मैं नहीं लूंगी, तुम हाथ में ही काट पकड़ के फिरोगे। सो ऐसा है कि जो है आजकल जो है जैसे कल यहाँ पे कल से इंशाल्लाह रमज़ान शुरू हो रहा है, तो हर कोई जो है ना अपनी दिखा रहा था कि हमें क्या क्या प्रिपरेशंस की हैं रमज़ान की, और आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि इतनी ज़्यादा सब तैयारी कर रहे हैं रमज़ान की। तो मैं सोचती कि मैं क्या दिखाऊँ, मतलब मैंने कहा यार मतलब क्या, मतलब जैसे भी कुछ लोग होते होंगे ना जो कि सुगर नहीं होते होंगे तो वो क्या करते होंगे, तो मैंने सोचा मुझे एक ऐसा व्लॉग बनाना चाहिए जिसमें मैं बताऊं जो लोग मेरी तरह सुगर नहीं है तो उनके लिए क्या तैयारी चाहिए रमज़ान की। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या तैयारी की है रमज़ान की। सो जनाब ये है मेरी तैयारी कि मैं लेके आई थी रोल्स बने बनाए, समोसे बने बनाए, पराठे बने बनाए, ठीक है। अब हुआ ये कि जब मैं लेके आई तो रमज़ान शुरू होने में 3-4 दिन थे, तो मैंने पहले ही चाय के साथ बना के खा लिए ये, और एक पैकेट हम समोसों का भी ख़त्म कर चुके हैं रमज़ान शुरू होने से पहले। और पराठे में ले के तो आ गई हूँ लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, ये मैं इमरजेंसी के लिए लाई हूँ कि अगर कभी जो है मेरी आँख सही टाइम, अक्सर ये होता है कि मैं अलार्म लगाती हूँ और अलार्म बंद करके सो जाती हूँ तो बिल्कुल एंड टाइम पे मेरी आँख खुलती है, तो ये उस इमरजेंसी के लिए है। तो इसीलिए अगर आप में से कोई शुगर नहीं है मेरी तरह तो वो टेंशन ना ले, रेडीमेड चीज़ें जिंदाबाद। तो अब हम खाते हैं खाना, और आज मैंने बनाए हुए थे पाए, और फाइनली हमने एक करीब के रेस्टोरेंट से नान ऑर्डर किए थे, नान बस यहाँ पे ऐसे ही होते हैं। तो बस जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट्स में कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, ख्याल रखें अपना, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।